मध्य प्रदेश की राजनीति में बड़ा भूचाल तब आ गया जब ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कांग्रेस से 20 विधायकों सहित इस्तीफा दे दिया कि वह बीजेपी को समर्थन करेंगे। इस बगावत के बाद कांग्रेसियों का गुस्सा फूट पड़ा। प्रदेश कांग्रेस कार्यालय के बाहर कांग्रेस की छात्र विंग NSUI ने सिंधिया का पुतला जलाया और ज्योतिरादित्य सिंधिया मुर्दाबाद के नारे लगाए। भोपाल से ताहिर खान की रिपोर्ट। हम कांग्रेस के विधायक उपस्थित थे, जो इंडिपेंडेंट विधायक हैं वो भी उपस्थित थे और साथ ही बैठक में ये निर्णय लिया गया क्योंकि हमारे पास गिनती है विधायकों की, एकजुट हम होके ये लड़ाई लड़ेंगे और जो विधायक सिंधिया जी के साथ जो गुमराह करके उनको इकट्ठा किया गया था, ये कहा गया था कि सिंधिया जी को राज्यसभा मांगना है इसलिए उन्हें मांग करने के लिए इकट्ठा होना है और फिर भारतीय जनता पार्टी में जो जाने की बात हुई है उससे रुष्ट हैं वो विधायक भी जो गए हैं और वो भी आदरणीय मुख्यमंत्री जी के कांटेक्ट में है और सरकार को कोई खतरा नहीं है, हम अपने गिनती विधानसभा में साबित करेंगे। एक मिनट सुनिए, मुख्यमंत्री जी का स्टेटमेंट सुनिए, विधायक दल की बैठक मुख्यमंत्री जी का। मुख्यमंत्री नहीं, नंबर है कि मुख्यमंत्री जी का ने कहा विधायक दल की बैठक में कि जो लोग 19-22 जो गए थे उनमें से बहुत से उनसे उसमें है, ये कह के ले गए थे कि राज्यसभा के लिए ले जा रहे हैं और धोखा दे के दस्तखत कराएं, वो संपर्क में है, वो जैसे ही विधानसभा चलेगी विधानसभा में कांग्रेस के पक्ष में आएंगे, ये निश्चित तौर पर, और मेजॉरिटी प्रूव करेंगे विधानसभा में हम लोग, ये तय हुआ है। और बीजेपी की जो विधायक बीजेपी की गए हुए उनके अलावा सभी विधायक उपस्थित थे और साथ ही जो आजाद विधायक इंडिपेंडेंट विधायक हैं वो भी सब उपस्थित थे। पूरा फिगर मेजॉरिटी प्रूव करेंगे, पूरा फिगर। देखिए, हम विधानसभा के अंदर अपनी गिनती से कर देंगे, सरकार को कोई खतरा नहीं, सरकार अपनी गिनती विधानसभा के अंदर। देखिए, विधानसभा में तो आएंगे ना, देखिए बाकी भी तो है, उसके अलावा भी तो विधायक हैं क्या। देखिए, उनको कांग्रेस से कोई खतरा नहीं है, कांग्रेस के साथ वो थे और आगे भी रहेंगे, आप स्वयं देखेंगे वो टच में हैं और उनके साथ धोखा हुआ है। उनको ये कहा गया था कि राज्यसभा की मांग करने के लिए सिंधिया जी के लिए इकट्ठा किया गया था, उन्हें ये नहीं पता था कि उनकी विचारधारा तो कांग्रेस की, उन्हें ये थोड़ी पता था कि उनकी विचारधारा बदलने की बात होगी। बिल्कुल स्थिर है फर्जी। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।